हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गावकर एंड बीसीके के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सबसे लास्ट पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें हमने सारी इंडियन कंपनीज कर लिए, राइट फ्रॉम एप्सिस, अडानीज, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज, एयरटेल, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, फ्लिपकार्ट, गेल, तेल एंड व्हाट नॉट। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी सम ग्लोबल कंपनीज। हम लोगों को कंपनी ओवरव्यू करना है ग्लोबल कंपनीज का, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी प्लेसमेंट्स ग्लोबल कंपनीज में भी होती है। लाइक मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स वर्क विथ सम कंपनीज दैट वी विल स्टडी, सो हमें एक ओवरव्यू जरूर होना चाहिए ग्लोबल कंपनीज का भी। ऑलराइट, सो गाइस लेट्स गेट गोइंग। द वेरी फर्स्ट कंपनी दैट वी वुड डिस्कस टुडे इज एमेक्स, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो गाइस जितना भी आपको समझता है अमेरिकन एक्सप्रेस का बिजनेस क्या होगा, क्या लगता है आपको, एनी क्लू अमेरिकन एक्सप्रेस का बिजनेस क्या होगा? करेक्ट 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 एमेक्स। ओके, ये एमेक्स इज अ बैंक यू कैन से। ओके, इट गिव्स यू फाइनेंशियल सर्विसेस, लेकिन इसका सिर्फ नाम अमेरिकन एक्सप्रेस क्यों है? Because it started its business not as a bank, not as a financial service provider. It started its business as a courier company. So guys, let's check it out. Amex American Express, incorporation year 1850, headquarters New York City, United States. Present head, that is the chairman and CEO, is Mr. Stephen Squeri. Okay? He is the present head, Stephen Squeri, chairman and CEO, and the CFO is Mr. Jeffrey Campbell. So, jab Amex ki hum log jab baat karte hain, to Amex, yes, it's an American company, of course. Introduction, Amex company is an American multinational financial service corporation. The company is best known for its credit card. Credit card ka culture hi inhone start kiya hai, you can say. Credit card, change card, traveler's check, theek hai, charge card, traveler's check. बिजनेस ट्रेवलर्स चेक, इन जो दूसरे कंट्रीज में जाके पैसे स्पेंड करना चाहते हैं फॉरेक्स में, उनके लिए एक चीप इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज ट्रेवलर्स चेक। देन इन 2016 क्रेडिट कार्ड यूजिंग एमएक्स नेटवर्क अकाउंटेड फॉर 22.9% ऑफ टोटल डॉलर वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात करें यूएस के नेटवर्क में, तो 22.9% ऑफ ऑल द क्रेडिट कार्ड में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर एमएक्स ही था। इट ऑपरेट्स इन 175 कंट्रीज विद 2300 ऑफिसेज अक्रॉस द वर्ल्ड। इट्स अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थ्री मेजर कंपनीज, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक एंड एमएक्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया में है क्या? डू यू हैव एनी क्लू? Amex in India. In India, the company offers a wide range of travel, financial and network service products. Amex established its first office in India in 2021 in Kolkata. Ek zamana tha jab Mumbai was not considered as the financial hub. East India company ka capital bhi Calcutta hi tha. So guys, Amex India mein aaya Kolkata mein pehli baar. Since then, it has grown to become the leading travel-related service and banking organizations in the country. Amex is considered as a pioneer in offshoring processes to captive centers in India. Offshoring, offshoring yani kya? Offshoring yani kya? दूसरे कंट्री से काम होता है, इसको कहते हैं offshoring. यानी मैं अमेरिकन कंपनी हूं, मेरा काम इंडिया से होगा, तो अमेरिकन काम इंडियंस कर रहे हैं, इंडिया से हो रहा है अमेरिकन कंपनीज का काम, इसको कहते हैं ऑफशोरिंग। इंडिया का काम इंडिया में ही हो रहा है, अमेरिका काम यूएस का काम यूएस में ही हो रहा है, इसको कहते हैं ऑनशोरिंग। सो एमएक्स इज कंसिडर्ड एज अ पायनियर इन ऑफशोरिंग प्रोसेस टू कैप्टिव सेंटर्स इन इंडिया। यानी इंडिया में आउटसोर्सिंग, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो पूरा बिजनेस बना हुआ है, एमएक्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। It's a pioneer. Company has set up global back office operation to leverage the skill manpower available in India. Amex ki do companies hai India mein. Amex Express India Private Limited. This center handles accounting and financial process for American Express business around the world. Amex Global Service Center. This center provides to companies card, financial service and travel related business in US and other countries. History dekhte hai company ki. Amex was started in 1850 as an express mail business in New York. So guys,
कुरियर कंपनी थी एमेक्स. इट वॉज फाउंडेड एज अ जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेशन बाय द मर्जर ऑफ एक्सप्रेस कंपनीज ओन्ड बाय हेनरी वेल्स, विलियम फागो एंड जॉन वॉरेन बटरफील्ड. तो इन तीनों ने मिलकर एमेक्स बनाया था. विजन क्या है इनका? टू बी द लीडिंग प्रोवाइडर फॉर पेमेंट सोल्यूशन वर्ल्ड वाइड. सो गाइस अगर हम लोग देखें तो अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स, आप जब भी एयरपोर्ट ट्रेवल करोगे तो वो कोई ना कोई बंदा एमेक्स का कार्ड देने की कोशिश करेगा आपको. दे आर मोर इन टू कार्ड बिजनेस. To leverage our local and global expertise to be a leading provider of payment solution for our customers by delivering high quality, innovative and world class products and services while maintaining the highest standards of governance and ethics. So that is what Amex do and that is what they aspire to do. इनके कार्ड प्रोडक्ट्स भी है और नॉन कार्ड प्रोडक्ट्स भी है, लेकिन आप देखोगे तो कार्ड प्रोडक्ट्स इनके ज्यादा है. दे आर मोर इन टू कार्ड बिजनेस. कंज्यूमर कार्ड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ Amex कार्ड आउटसाइड द यूएस, कार्ड डिजाइनिंग. इन्हें आपको भी पता होगा कि कार्ड्स में हम अपना फोटो भी डलवा सकते हैं, राइट? डू यू नो दैट? डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में हम खुद का फोटोग्राफ डलवा सकते हैं. यानी जो लोगों को फैंसिंग अच्छा लगता है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट होता है. 500 रुपीस प्लस जीएसटी लगता है, हर बैंक में मोर और लेस इतना ही चार्ज है. एमेक्स ने ये कॉन्सेप्ट लाया था. कार्ड डिजाइन, एक्सप्रेस पे, स्मॉल बिजनेस सर्विसेज, कमर्शियल कार्ड सर्विसेज, नॉन प्रोप्राइटरी कार्ड एंड मर्चेंट अकाउंट. सो गाइस बिजनेस के लिए भी और सोल प्रोप्राइटर्स के लिए भी ये कार्ड अच्छा है. नॉन कार्ड, ट्रैवलर्स चेक, शीएसएन एमेक्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, इंटरनेशनल बैंक, ट्रैवल पब्लिशिंग एंड इंडिविजुअल बैंकिंग, ये सर्विसेज भी देता है. बट जैसे आप देखोगे इनके कार्ड प्रोडक्ट्स थोड़े ज्यादा है. क्या ये फॉर्च्यून 500 कंपनी होगी? क्या लगता है तुमको? सर आप तो फोर्ब्स पढ़ा रहे थे ना हमको. फोर्ब्स की लिस्ट 2000 कंपनीज की बनती है, फॉर्च्यून 500 की लिस्ट कितने कंपनीज की बनती है? 500. सो गाइस रैंकिंग देख लेते हैं. एमेक्स रैंक 312th ऑन द फॉर्च्यून 500 कंपनीज इन 2011. ओके सो गाइस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट कौन देता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन लिस्ट ये कौन देता है? कम ऑन, जिसमें 2000 कंपनीज की लिस्ट बनती है. करेक्ट, द आंसर इज फोर्ब्स. Amex ranked 95th on the Forbes World's Largest Public Corporation list and Amex ranked 245th on the Forbes World's Best Employers list 2021. Amex has added 6 lakh new merchants in India since 2017. So guys, Amex is basically doing good. Okay, so guys, थोड़ा सा आपको मैं perspective देना चाहता हूँ. Okay, थोड़ा add-on है, important है. इंडिया में अगर कोई कंपनी आम जनता से फंड रेस कर सकती है तो उस कंपनी के नाम के आगे क्या लग जाता है? करेक्ट, वेरी गुड स्वीटी, वेरी गुड अर्नब, द आंसर इज लिमिटेड. ठीक है, तो गाइस अगर कोई ब्रिटिश कंपनी है तो भी लिमिटेड लगेगा क्या? कोई अमेरिकन कंपनी है तो भी लिमिटेड लगेगा क्या? कोई जर्मन कंपनी है, कोई स्विस कंपनी है तो भी लिमिटेड लगेगा क्या? डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? क्वेश्चन समझा है या लिमिटेड लगेगा? नो, दैट्स नो 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 नो, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न. इंडियन कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो लिमिटेड लगता है, लेकिन वही अगर यही अमेरिकन कंपनी है तो लिमिटेड नहीं लगता है. हर कंट्री में अपना अलग अलग नाम होता है गाइस. अमेरिकन कंपनीज फॉर एग्जाम्पल एप्पल में इनकॉर्पोरेशन लग जाता है. ठीक है, जर्मन कंपनीज में जैसे बीएमडब्ल्यू, बेयरिश मोटर एंड वर्क, आगे क्या लगा है? देखो क्या लगा है आगे, बोलो, जीएमबीएच. ठीक है, तो हर जगह लिमिटेड नहीं लगता है. स्विस कंपनी है तो पब्लिक कंपनीज को एसए लग जाता है आगे, और अगर ब्रिटिश कंपनी है जैसे वोडाफोन तो पीएलसी लगता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी. सो गाइस प्लीज इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा. ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू. इंपॉर्टेंट है ये, इसका इंफॉर्मेशन बबल में इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है. सो लाइक इन इंडिया वी यूज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर कंपनीज नेम टू आइडेंटिफाई द कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेटली ओन कंपनी. एवरी कंट्री यूजेस इट्स ओन टर्म्स टू डिनोट द कंपनी. फॉर एग्जाम्पल Incorporation or corporation or corporation or LLC is used in United States to denote public company, while GmbH, Gesellschaft mit Bescherer Haftung, is used in Germany. So guys, GmbH, I hope it's better, right? क्या कहते हो? So guys, that's that. Amex, बिल्कुल इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे अब तक क्वेश्चन नहीं आया है.
So that was all about Amex. We move ahead to our favorite company. KitKat बनाने वाली company बताओ. KitKat. Correct. KitKat, Maggie, Nescafe. Guys, it's Nestle is an American company, right? Nestle American? No. It's a Swiss company. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको. Correct. ठीक है. So guys, it's a Swiss based company. Let's check it out. Nestle, incorporation 1866. Organization ownership group is Nestle Group. Headquarters is in Vevey, Switzerland. Chairman is Paul Buckle, is the chairman. And the CEO is Ulf Markschneider. And the CFO is Francois Xavier Roger. वो X-Men वाला Xavier नहीं, Francis Xavier Roger. So, moving ahead, company intro. Nestle is a Swiss transnational food and drink company. ट्रांसनेशनल जिसका प्रेजेंस मल्टीपल कंट्रीज में होता है, यानी ये तो बहुत बड़ी कंपनी है. नेस्ले का प्रेजेंस 191 कंट्रीज में, इट्स अ बिग ट्रांसनेशनल कंपनी. इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी. इट हैज बीन द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड. नेस्ले सर्व्स इन 2000 प्लस ब्रांड्स अक्रॉस द ग्लोब. सर हमको तो मैगी और किटकैट ही पता था सर. नहीं रे, 2000 से ज्यादा ब्रांड्स है पूरी दुनिया में इसके. It has got 418 plants facilities in 86 countries with its products available in, जो आपको मैंने थोड़ी देर बताया, 191 countries. It has a huge network of 352,000 people across the world. Nestle invests around 1.5 billion CHF. CHF यानि Swiss franc, that's the currency of Switzerland. वैसे तो Switzerland में euro भी चलता है, लेकिन उन्होंने अपना currency खुद का भी retain किया है. So, Nestle invests around 1.5 billion in R&D every year. It has a worldwide network of 17 research and development and product testing centers. It covers over 100 different professional areas, including nutritional science, life science, raw material ingredients, and production processes. Philosophy, humne to padhai hai, good food, good life. To provide consumers with the best tasting, most nutritious choices in wide range of food and beverage categories and eating occasions from morning to night. So guys, that's the philosophy. And subah se leke, ne tum hamara shuru karo apna din, Nescafe se, coffee se, ya fir Nestle ka milk powder bhi aata hai, aur raat ko sone tak, as a dessert, hamari chocolates kha lo aap. So guys, morning se raat tak, aap hamara product use karo, this is what they want. पुरानी कंपनी होगी जरूर. नेस्ले हिस्ट्री. नेस्ले वॉज फाउंडेड 151 ईयर्स अगो एज एन एंग्लो स्विस कंडेंस्ड मिल्क कंपनी बाय अ स्विस कन्फेक्शनर. स्विस कन्फेक्शनर ने जो मिठाई बनाता है, कन्फेक्शनर ने द वन हु मेक समथिंग विच इज स्वीट, हेनरी नेस्ले इन 1866. इन ऑगस्ट 1867 चार्ल्स एंड जॉर्ज पेज एस्टैब्लिश द एंग्लो स्विस कंडेंस मिल्क कंपनी इन शाम स्विट्जरलैंड. In 1879, Nestle merged with milk chocolate innovator Daniel Peter. In 1905, the companies merged to become Nestle, an Anglo-Swiss condensed milk company. Nestle came into India in the year 1923. So guys, काफी पुराना presence है Nestle का India में. Portfolio, Cookie Dough, Maggi Noodles, Nescafe, Kit Kat, Smarties, Nesquik, Stouffer, Whittle, Milkmaid, Carnation are one of the most popular products and brands of Nestle. So guys, I hope आपने ये brands सुने हैं. Maggi और Nescafe और Kit Kat तो सबने सुना है. Smarties सुना है आपने? Smarties? No? Yes. I hope you have. ठीक है, Nesquik, Stouffer, Whittle, Milkmaid. Milkmaid आपने जरूर सुना होगा, if I'm not wrong. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं, अगर नहीं अगर सुना तो बहुत बढ़िया. सो गाइस, नेस्ले के ब्रांड्स पूरे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ब्रांड्स में नेस्ले वाटर्स पानी बनाते हैं. 52 वाटर ब्रांड्स दे हैव गॉट, 52 वाटर ब्रांड्स दे हैव गॉट, यानी इतना टाइप का पानी बेच रहे हैं लोग. ठीक है, सो उसके बाद नेस्ले सीरियल्स तुमने जरूर सुना होगा. सेरेलैक के बारे में सुना है क्या? सेरेलैक बेबी फूड. So, serial partners worldwide. Then, Nestle Health Science, ये brain health और nutrition को लेके या digestion को लेके intestine development को लेके अच्छे products हैं इनके. Then, Nestle Nespresso, ये Nescafe से related products हैं. Then, Nestle Purina Pet Care, ये pets are very important in life. तो, pet care के लिए अलग products अब बने लग गए. And they have multiple brands for pet care as well. And Nestle skin health के लिए भी इनके पास काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. कॉम्पिटेटिव सिनेरियो, किससे लड़ता है नेस्ले? पतंजलि से लेके यूनिलीवर तक, अमूल से लेके ब्रिटानिया तक, वॉलमार्ट तक, पेप्सिको तक, सबसे लड़ता है.
checking out the competitive scenario. Major competitors of Nestle in Indian subcontinent and worldwide are Unilever, Starbucks, Kraft Food, Mars, PepsiCo, Britannia, Walmart, Patengi, Amul, GlaxoSmithKline, KRBL and Hudson Argo. So guys, ये prominent है, इनके साथ competition है इनका. मुझे लगता है बाकी सबको तो हरा देंगे. Patengi को कैसे हराएंगे Nestle? बहुत tension है उनको. Major acquisitions by Nestle: San Pellegrino in 1997, Spillers Pet Food in 1998, Ralston Purina in 2002, Chef America in June 2002, Delta Ice Cream in December 2005, Hsushi International Limited in July 2011, Vitalflow CM&D Pharma Limited, Prometheus Laboratories in 2012. So guys, ये बड़ी कंपनी का प्रॉब्लम ही है. ये बड़ी कंपनी और बड़ी कंपनी बनती ही ऐसे है, दूसरी कंपनीज को क्या करके अक्वायर करके. यू वोंट बिलीव इट, ये फिर भी फूड से रिलेटेड या फार्मा से रिलेटेड कंपनीज है तो हम समझ सकते हैं. नेस्ले ने लॉरियल को तक नहीं छोड़ा है, लॉरियल को अक्वायर किया. अरे फूड कंपनी, ठीक है, ब्यूटी इंडस्ट्री को लिला देना नहीं है. बट देन स्टिल एनीवे, सो गाइस ये बड़ी कंपनी, बिग कंपनीज बिकम बिगर बाय एक्विजिशन. फेसबुक को आप देख लो, मेटा को आप देख लो, ये खुद से बड़ा नहीं हुआ, एक पॉइंट के बाद एक्विजिशन से बड़ा हुआ है. बायजूस को देख लो आप, एक्विजिशन किंग है वो. एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने अक्वायर कर रखा है. मेजर जेवी बाय नेस्ले, सीरियल पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड विद जनरल मिल्स, 50-50 पार्टनरशिप है. ओके, पार्टनरशिप नहीं, ज्वाइंट वेंचरिंग है, ठीक है. एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था पार्टनरशिप और जेवी में क्या डिफरेंस होता है. तो गाइस एक मिनट, पार्टनरशिप ऐसा होता है कि पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें पार्टनर्स आते हैं, जुड़ते हैं. ज्वाइंट वेंचरिंग इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ फॉर्म, इट्स द वे वी डू बिजनेस टूगेदर, दैट्स इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो वी मूव अहेड. Then beverage partners worldwide with Coca-Cola company 50-50% का, Lactalis Nestle products frames with Lactalis 40-60 का partnership, joint venturing. Nestle Colgate Palmolive with Colgate Palmolive 50-50 का partnership. Then business in news, ranked 39th on the Forbes world's largest public corporation list. Nestle ranked 501st on the Forbes world's best employers list. Nestle Board of Directors has decided to distribute an amount up to 20 billion Swiss francs to Nestle shareholders from 2020 to 2022, primarily in the form of share buybacks. Nestle inaugurated the Institute of Packaging Sciences, first of its kind in food industry, to address global challenge of plastic packaging waste. So guys, product to bana hi rahe achhe, lekin ye log packaging pe bhi dhyan de rahe. So guys, that's Nestle, the Swiss company, good food, good life being the slogan of that company. We move ahead, जिसके कारण हम आसानी से computers use करना सीखे. Welcome to that company, and that is Microsoft. So incorporation of Microsoft, 1975. Headquarters, Washington, United States. Chairman, Mr. John Thompson is the chairman, and Satya Nadella is the CEO of Microsoft. CFO is Amy Hood. So guys, agar introduction dekhe, to of course Microsoft is an American multinational technology company. It develops, manufactures, licenses, supports and sells software, consumer electronics, PCs and services. Its best known software product is, hum sab ne suna hai, hum sab ne use kiya hai, Microsoft. Kaun sa? हर कोई, कोई नहीं बचा होगा, कोई नहीं बचा होगा जिसने विंडोज यूज नहीं किया. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस सूट, एंड एमएस ऑफिस यूज किया तुमने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस एंड व्हाट नॉट, टू सर्व सॉरी एन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एज वेब ब्राउजर्स. तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब बंद हो गया है, बट हाँ उसकी जगह उन्होंने एज निकाला है. माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया, यस दे आर वेंटर्ड इनटू इंडिया एलपीजी के बाद. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सब्सिडरीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, the worldwide leader in software services and solution. Microsoft India story began in 1990. Microsoft runs six major business units representing entire business cycle to serve
प्रोडक्ट साइकिल टू सर्व कस्टमर फ्रॉम कंज्यूमर टू कॉर्पोरेशन गेमर्स टू गवर्नमेंट, सबके लिए प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट के पास, और उसके लिए अलग अलग कंपनीज है। इंडियन कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट की, माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया MSR, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट आईटी इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज ग्लोबल डिलीवरी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ग्लोबल टेक सपोर्ट सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट का पहला लोगो था ये, ठीक है। धीरे 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 दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। सो गाइस लेट्स चेक इट आउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय पॉल एलन एंड बिल गेट्स on 14th April 1975 with Gates as the CEO. Bill Gates was the CEO then. Microsoft entered the operating system business in 1980 with its own version of Unix called as Xenix. However, the MS-DOS disk operating system, MS-DOS disk operating system, that solidified the company's dominance. So guys, jo bhi Microsoft hai na aaj, wo is MS-DOS ke karan hai. MS, pehla operating system jisse कंप्यूटर यूज करना थोड़ा सा आसान हुआ। माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी थी जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट से भी बड़ी कंपनी थी IBM, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और IBM के विजन में डिफरेंस था। IBM सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए कंप्यूटर्स बनाना चाहता था, वो और कंप्यूटर्स को यूजर फ्रेंडली बनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वैसे भी बिजनेस के लिए यूज होना है तो यूजर फ्रेंडली होने की क्या जरूरत है। और माइक्रोसॉफ्ट चाहता था कि कंप्यूटर हर कोई यूज करे, इसलिए कंप्यूटर्स यूजर फ्रेंडली हो। सो गाइस दिस इज वेयर IBM लॉस्ट इट, नहीं तो IBM इतना बड़ा था, IBM इनसे और 75 साल पुराना कंपनी है। IBM एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से और 75 साल पुराना कंपनी है। इट कुड हैव डन वंडर्स बट जस्ट बिकॉज दे लैक्ड विजन, ठीक है, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के पास ये विजन था कि कंप्यूटर्स हर घर पे हो सकते हैं, उसको पर्सनल डिवाइस जैसे यूज किया जा सकता है। बॉयज तो यूज अभी कर ही रहे हैं, सही विजन था उनका। चलो, सो सिस्टम मार्केट ऑफ MS-DOS इन द मिड 1980s फॉलोड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सिंस द 1990s इट इज इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हैज मेड अ नंबर ऑफ कॉर्पोरेट एक्विजिशंस। अगेन मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी कंपनी दूसरी छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर करके ही बड़ा बनती है। जैसे आपने सुना होगा स्काइप के बारे में, स्काइप वॉज एन इंडिपेंडेंट कंपनी, अक्वायर कर लिया गया, नाउ इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। पुट विजन टू हेल्प इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। सो गाइस ये जो डिफरेंस था ना, IBM सोचता था कि सिर्फ बिजनेस को हेल्प करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट सोचता था बिजनेस को भी हेल्प करेंगे और इंडिविजुअल को भी। टू एम्पावर एवरी पर्सन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। Microsoft vision statement shows the company's target market and product value. Microsoft mission statement represents the global market scope of the business and general idea about the benefit of business to its customers. However, such information is still not clearly defined to represent business. Software, in case software or services mein, they have Windows, Office, free downloads and security, Internet Explorer, Microsoft Edge and MSN, ye unke softwares hain. Devices and Xbox, boys और गर्ल्स जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको एक्सबॉक्स के बारे में पता होगा। ऑल विंडोज पीसी एंड टैबलेट्स, पीसी एक्सेसरीज, एक्सबॉक्स एंड गेम्स। बिजनेस के लिए उनके पास प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ओ डू यू रिमेंबर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, कभी पढ़ा है हमने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर? कल के लेक्चर में पढ़ा था हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप। हाँ करेक्ट अदर है, जियो के साथ पार्टनरशिप किया था क्लाउड एप्लीकेशन के लिए, एंड देयर क्लाउड एप्लीकेशन इज अज्योर, एमएस डायनामिक्स 365, विंडोज फॉर बिजनेस, ऑफिस फॉर बिजनेस, स्काइप फॉर बिजनेस जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एंटरप्राइज सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम लाइसेंसिंग। वॉल्यूम लाइसेंसिंग यानी एक एक बार सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लो और मल्टीपल कंप्यूटर्स पे यूज करो। एंड फॉर आईटी डेवलपर्स एंड आईटी प्रोस प्रोफेशनल्स माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, MSDN, टेकनेट एंड विजुअल स्टूडियो। फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स Office for student, OneNote in classroom and Microsoft in education. So guys, they have multiple product. क्या लगता है तुमको? Fortune 500 company होगी क्या Microsoft? What do you think? Yes. Of course. Yes. Ranks 15th in the Fortune 500 list. Microsoft ranks 15th on the Fortune 500 companies list in 2021 and अगर हम लोग फोर्ब्स की लिस्ट देखें तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में 15th एंड बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट में 3rd। माइक्रोसॉफ्ट ताइवान एंड एशिया लीडिंग मीडिया टेक्नोलॉजी कंपनी, KKBOX ग्रुप
jointly announced the launch of global strategic partnership that will migrate the company's subsidiary KKBOX music streaming services to Microsoft Azure cloud platform. KPMG expects to invest $5 billion in digital strategy and expand Microsoft Alliance to accelerate professional services transformation. So guys, KPMG expects to invest $5 billion in digital strategy. So guys, Microsoft ke saath sabka vision judta hai, isliye sab judna chahte hai Microsoft se. So that was the Microsoft story. And kabhi ye mat sochna ki Bill Gates ko, yeah, Bill Gates got famous at a very young age, but he is Mr. Paul Allen jiske sath unhone Microsoft banaya. Lekin ye kabhi mat bhulna, ये कभी मत भूलना कि बिल गेट्स का माइक्रोसॉफ्ट ये पहला स्टार्टअप नहीं था, ये याद रखना, ठीक है? बिल गेट्स का पहला बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, ये कोई पहला स्टार्टअप नहीं था उनका. दे हैव अ फेल्ड स्टार्टअप माइक्रोसॉफ्ट से पहले. तो कल जाके कभी लाइफ में अगर कम ज्यादा हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो याद रखना मेरा WhatsApp स्टेटस अगर आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा. एक स्टेटस मैंने काफी दिनों से रखा है, एक साल से तकरीबन. लाइफ इज वेरी लॉन्ग इफ यू आर गुड, ठीक है? या लाइफ इज लॉन्ग, यू कैन स्टिल मेक इट काउंट. थोड़ा सा समय देना, थोड़ा पेशेंस रखना. मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर तुम में बात है और तुम में पेशेंस है तो तुम जरूर वहां पहुंचोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो. ऑलराइट, सो गाइस, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट स्टोरी. ट्राफो डेटा माइक्रोसॉफ्ट बनाने से पहले, पॉल एलन और बिल गेट्स ने मिलकर बनाई थी कंपनी ट्राफो डेटा, विच फेल्ड मिजरेबली. और एमएस डॉस, जेरोक्स नाम की कंपनी तुमने सुना होगा, जेरोक्स, हैव यू हर्ड अबाउट जेरोक्स? ठीक है, एमएस डॉस कोई कंसेप्ट नहीं था, सिर्फ बिल गेट्स के एक जेरोक्स कंपनी के साथ मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में बस मुंह से निकल गया, कंसेप्ट भी नहीं था, सिर्फ मीटिंग में डिस्कस करते वक्त वो प्रोडक्ट का एनलाइटनमेंट हुआ, एंड देन द वर्ल्ड चेंज फॉर माइक्रोसॉफ्ट फॉर एवर. ठीक है, सो गाइस, दैट्स दैट. सो पहला जो माउस है, पहला माउस ये जेरोक्स कंपनी ने बनाया था, बट विजन नहीं था तो यूज नहीं कर पाए. एनीवे, वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट कंपनी, द बिगी. एप्पल से पहले, माइक्रोसॉफ्ट से पहले जो कोई कंप्यूटर्स में कोई डेवलपमेंट कर रहे थे, तो वो थी आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. आईबीएम कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन 1911, हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, चेयरमैन इज मिस्टर अरविंद कृष्णा एंड द सीएफओ इज मिस्टर जेम्स कवनॉ. सो गाइस, यस, अरविंद कृष्णा इज द चेयरमैन, इंडियन ओरिजिन का चेयरमैन है आईबीएम का. International Business Machines Corporation is an American multinational technology company. It operates in over 170 countries across the globe. It manufactures and markets computer hardware, middleware and software, and offers hosting and consulting services in areas ranging from mainframe computers to nanotechnology. So guys, they are into everything. It's major research organization holding the record for most patents generated by a business. So guys, the most patent generated by a business is what is? The most patent is IBM. Guys, ये क्लिक, ये ध्यान में आप जरूर रखना, ये आप भूल जाओगे. Most patents किसके नाम पे, ये आप भूल जाने का पूरा पूरा चांस है. Yeah. So guys, the major research organization holding the record for most patents. So IBM इस कंपनी के बिल्कुल on the face लिख दो, most patents by any company, that's company is IBM. Inventions by IBM include automated teller machine, the PC, the floppy disk, hard disk, magnetic stripe card, relational database, SQL, structured query language, UPC barcode, dynamic random access memory, DRAM. ये सब कुछ इन्होंने इन्होंने बनाया है, ये inventions है, यानी जो हम लोग ATM वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब IBM ने बनाए हुए है. So, और guys, हम लोगों को Microsoft, Apple, Google, Meta, इनके अलावा कुछ नजर नहीं आता. They were the daddy. ठीक है, क्या लिखा है? IBM in India. IBM in India. So guys, who is the MD of IBM in India? बताओ. संदीप पाटिल. Now, पाटिल नहीं रहे, स्वीटी, what is this?
सो गाइस चेक आउट द मॉड्यूल, मॉड्यूल में क्या दिया बताओ, मॉड्यूल में क्या दिया, आ जाओ। IBM India Private Limited is the Indian subsidiary of IBM. Sandeep Patel is the managing director of IBM India Limited. IBM entered India in 1992 with a Tata joint venture known as Tata Information System Limited. So 1992 में India में आए और किसके साथ, Tata के साथ. Tata's always had a vision. They knew. Okay. So nevertheless, कब से शुरू हुई कंपनी देखते हैं. The Following four historical milestones contributed to the foundation of IBM. So guys, अगर हम लोग IBM का logo देखे, तो it starts way back from what? कब से है ये? ये देखो, यहाँ से यहाँ यहाँ. It has a long journey. इतने सारे logos बने. So guys, कोई भी चीज day one पे हम जैसे सोचते हैं वैसा perfect नहीं होती है. धीरे-धीरे चीजें evolve होती है. So let's check it out. History. The following four historical milestones contributed to the foundation of IBM. Julius Pitrat patented the computer scale in 1885. Alexander Day invented dial recorder in 1888. Herman Hollerith patented electric tabulating machine. Willard Bundy invented a time clock to record a worker's arrival and departure time in 1899. On June 16, 1911, their four companies were amalgamated in New York State by Charles Flint, forming the fifth company, Computing Tabulating Recording Company. Based in New York, IBM was originated in 1911 as a computing tabulating recording company and was renamed International Business Machines in 1924. So guys, 1911 mein start hui, lekin IBM naam isse mila 1924 mein. Vision, IBM should be the first and foremost of any new enterprise data center migration shortlist. That's the vision. Yani koi bhi company agar apna data manage karna chahti hai, data migrate karna chahti hai, तो सबसे पहला ऑप्शन उसके पास कौन सी कंपनी का होना चाहिए, IBM का ही होना चाहिए. मिशन टू लीड इन इन्वेंशन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड आईटी इंक्लूडिंग कंप्यूटर सिस्टम्स सॉफ्टवेयर स्टोरेज सिस्टम्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स. इनके अगर प्रोडक्ट्स हम लोग देखें, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में दे आर इनटू व्हाट, एनालिटिक्स क्लाउड कॉग्निटिव. कॉग्निटो मोड तो तुमको पता ही होगा बॉयज, क्यों बॉयज, कॉमर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स मैंने बताया था तुमको, आईओटी में आपको पढ़ाऊंगा, सी एंटर ईआईएसएसएम में, इंडस्ट्री सॉल्यूशन सिस्टम्स मोबाइल सिक्योरिटी एंड सोशल. सर्विस सेगमेंट्स में दे आर इनटू बिजनेस कंसल्टिंग टेक सर्विसेज फाइनेंसिंग इंडस्ट्री एक्सपर्टीज ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट. क्या लगता है तुमको ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में होगी क्या, क्या लगता है? आईबीएम रैंक 42nd ऑन द फॉर्च्यून 500 कंपनीज लिस्ट. फोर्ब्स की लिस्ट में लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन में इट रैंक्स 59th और बेस्ट एम्प्लॉयज की लिस्ट में क्या रैंकिंग है, सेकंड. IBM acquired Red Hat in 2019 with $190 per share in cash, representing a total equity value of approximately 34 million. IBM released a study by IBM Institute of Business Value on hybrid cloud market in India, and according to it, 99% of Indian companies are set to adopt multiple hybrid cloud within next 3 years. जो मैंने आपको कल भी बताया था, hard disk नाम का concept खत्म ही हो जाएगा thanks to cloud computing. Tech giant IBM on Jan 14th said that it has received a record 9262 patents in 2019, and India being the second highest contributor. IBM inventors received record 9262 US patents, achieving a milestone of most patents ever awarded to US company and marking the company's 27th consecutive year of US patent leadership. 27 साल से सबसे ज्यादा पेटेंट लेने वाली, 27 साल consecutive years से सबसे ज्यादा पेटेंट लेने वाली कंपनी है US. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट किसके पास है, IBM के पास. ATM किसने बनाया, IBM ने बनाया. फ्लॉपी किसने बनाई, IBM ने बनाई. सो गाइस, हर चीज IBM ने बनाई. जब किसी के पास कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है, तब IBM इन्वेंटर था. In 2019, IBM was granted patents across key tech areas such as artificial intelligence, blockchain, cloud computing, quantum computing, and security. IBM inventors from India received over 900 patents, the second highest contributor to global tally after US. Few of the patents filed from India includes infrastructure cost and benefit tracking, automation and validation of insurance claim for infrastructure risk, failures in multiprocessor computing environment, IBase contact information transfer. तो इन सारी लेवल्स पे, इन सारी लेवल पे काम हो रहा है.
और जो आईबीएम का इंडिया विंग है वो सेकेंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है पेटेंट ने. इंडिया ने कितने पेटेंट्स के लिए हेल्प करी है? 900, मोर देन 900 पेटेंट्स आईबीएम इन्वेंटर्स फ्रॉम इंडिया. सो दैट वाज ऑल अबाउट आईबीएम. मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट हम लोग फैंसी करते हैं गूगल को, हम लोग फैंसी करते हैं मेटा को, हम लोग फैंसी करते हैं एप्पल को, बट गाइस आईबीएम इज द डैडी. एनीवे we move on to the last company of the day, that is Intel. Ting 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 ting. एक मिनट, my question is, पहले तो इसका जवाब दो, is it a CPU? Come on. No, it's not a CPU. Come on guys, tell me, is it a CPU? Just check this out. So my question is it a CPU? The answer is, you tell me, CPU hai kya? No guys, this is not a CPU. This is just an outside box. Is CPU ke upar ek sticker hota hai, Intel Core i7, i3, i5, i9 inside. Ya Intel Atom ya aisa kuch hoga. आपकी बॉडी पूरा सीपीयू है या आपका ब्रेन सीपीयू है? टेल मी. पूरी बॉडी सीपीयू है ना हमारी कि नहीं? नहीं सर, पूरी बॉडी सीपीयू नहीं है, ब्रेन सीपीयू है. वैसे ये पूरा डब्बा सीपीयू नहीं है, इट इज जस्ट एन आउटसाइड कवर कैबिनेट है ये. इसके अंदर जो प्रोसेसर है, उसके अंदर जो छोटा चिप है, वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो गाइस सीपीयू इज नथिंग एल्स बट अ प्रोसेसिंग डिवाइस. पावरफुल कंप्यूटर्स में Xeon प्रोसेसर होता है और ये बनाने वाली सबसे ज्यादा मार्केट शेयर वाली कंपनी है. टिंग 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 टिंग, व्हाट इज दैट? इंटेल. आ जाओ, इंटेल यानी इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स या समथिंग लाइक दैट. लेट्स चेक इट आउट. इनकॉर्पोरेशन ईयर 1968, हेडक्वार्टर्स इज कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, चेयरमैन इज मिस्टर ओमार इशराक, ही इज द चेयरमैन. Present head is Mr. Patrick Paul Glishergan. CFO is George Davis. Company intro. Intel Corporation is an American multinational corp and tech company. It is the world's largest and highest valued semiconductor chip makers based on revenue and is the inventor of x86 series of microprocessors. The processors found in most personal computing devices. Intel supplies processors for computer systems manufacturers such as Apple, Lenovo, डेल एन एचपी. यानी हम सबके पास एचपी के लैपटॉप्स है लेकिन उसमें प्रोसेसर इंटेल का होगा. आपके पास एप्पल का लैपटॉप होगा लेकिन उसमें प्रोसेसर इंटेल का ही होगा. सो गाइस लेट्स चेक आउट द हिस्ट्री. इंटेल कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड ऑन July 18, 1968 बाय सेमीकंडक्टर पायनियर मिस्टर रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मूर एंड वाइडली एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड विजन ऑफ एंड्री ग्रूव. द कंपनी नेम वाज कंसीव्ड बाय द वर्ड्स इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. Integrated electronics, या फिर the fact that Intel is the term for intelligence information also is made appropriate. So guys, कुछ लोग integrated electronics कहते हैं, कुछ लोग intelligent electronics कहते हैं, but guys, integrated electronics, Intel mission, delight our customers, employees and shareholders by relentlessly delivering platform and technology advancement that become essential to the way we work and live. Intel's core values are customer orientation, discipline, risk-taking, result orientation, quality, and great place to work. So guys, customers ko delight karna, yane processor pe hi dependent hai computer ka khel. Otherwise, computer baar baar restart hone lagega, to maza aayegi kya tumko? Nahi. Jitna powerful processor, utna achha computer. So, inke paas devices and segments mein 2-in-1 ultrabook hai, cable modems, desktop drones, Intel compute card, Intel computer stick, and you see laptops, micro server, mini PC, servers, smartphones, tablets, workstation, etc. Processor hai inke paas, Intel Core, Intel Xeon, Intel Atom, Platinum, Pentium and Celeron. Boards and kits, Intel Curie, SoC, Intel Joule, Galileo, Quark, D2000 development kit, microcontroller evaluation kit, servers and motherboards. Chipsets, mobile desktop server or embedded and inbuilt. सर्वर प्रोडक्ट्स में डेटा सेंटर ब्लॉक्स है इनके पास, सर्वर बोर्ड्स है, सर्वर सिस्टम्स है, सर्वर चीज़ी है, एक्सेलेरेटर कार्ड्स, रेट प्रोडक्ट्स एंड सर्वर मैनेजमेंट. नेटवर्किंग में एथरनेट प्रोडक्ट्स एंड फैब्रिक,
वायरलेस में दे हैव सेलुलर मॉड्यूल्स एंड सॉफ्टवेयर और इंटेल गेटवेज भी है इनके पास, इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है, बट दे आर इनटू प्रोसेसर्स. फॉर्च्यून 500 कंपनी, व्हाट से यस और नो? सो जब हर बड़ी कंपनी को ये मेन डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रेन प्रोवाइड करते हैं, इट हैज टू बी अ बिगी. सो गाइस, अगर हम लोग देखें फॉर्च्यून 500 में, इंटेल रैंक 40th ऑन द फॉर्च्यून 500 कंपनीज लिस्ट 2021, इंटेल रैंक 36th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन 2011, इंटेल रैंक 69th ऑन द फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयज लिस्ट 2021. Intel Corporation acquired artificial intelligence chip maker Habana Labs, an Israel-based developer, for approximately $2 billion in December 2000. Again, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी बड़ी कंपनी है और बड़ी बनते जाती है, दूसरी बेटर कंपनीज को, छोटी कंपनीज को अक्वायर करके, तो $2 billion US में अक्वायर किया. जैसे Facebook ने अक्वायर किया था WhatsApp को $19 billion US में, वैसे ही Intel Corporation sold the majority of its smartphone modem business to Apple valued at $1 billion in 2019. So guys, that's that. That's all about Intel. So guys, we have had a good company overview of many global companies. So before we start our quiz, kya thoda bahut general MCQs discuss kar le? Kya kehte ho? Kar le kya discuss? Perfecto. So let's discuss some MCQs. कुछ MCQs हम discuss कर लेते हैं. चलो. Which limited company has business in hotels, FMCG and IT? Come on. Perfect. Wonderful. Identify the Swiss transnational food and drink company. Walmart. जो सिखाया नहीं वो आंसर दे रहे हो तुम, होशियारी. The answer is Nestle. अभी तो सिखाया आज ही के लेक्चर में. Which of the following is not a foreign company? Doctor. Wonderful. Beautiful. क्या आंसर दे रहे यार? ये मुश्किल है थोड़ा, पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे. करेक्ट, द आंसर इज गेल. ब्यूटिफुल, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है. So guys, which of the is the present chairman of HDFC? पढ़ा चुका हूँ ये मैं, इस पे तो मैंने. Correct, correct. When was Reliance Industries incorporated? 1966. Which pharmaceutical company has a slogan caring for life? Correct, correct. ये question पूछ, exam question आ चुका है ये. Which gas company owns the largest pipeline network? GAIL. Where is the headquarters of ITC? Correct, correct. SBI was formerly known as? Correct, Imperial Bank. Beautiful. कैसे पता है आपको इतना सब? इतने आसानी से आंसर कैसे आ रहे हैं? ठीक है. RJJU Murugan. आ रहे हो गया. RJJU Murugan is a CFO of which company? मुश्किल है. करेक्ट, वेरी गुड पार्थ, एशियन पेंट्स. विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी डज विप्रो कम अंडर? करेक्ट, आईटी सॉफ्ट. ब्यूटिफुल, बहुत बढ़िया. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज नॉट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स? माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा चुका हूं, इंटेल पढ़ा चुका हूं, HCL, IBM मुझे नहीं पता, बताओ जल्दी. HCL है ना, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड है. ये सब आज ही हमने डिस्कस किया है. नेस्ले इज अ बेवरेज पार्टनर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज? ये मुश्किल है थोड़ा, एकदम अंदर का सवाल पूछा. वेरी गुड स्नेहल, वेरी गुड फैजल, वेरी गुड अर्नव, वेरी गुड आदित्य. इट्स कोका कोला.
गुड यार, तुम पढ़ाई करके आओ तुम. द मेजर टेक्सटाइल ब्रांड विमल वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर? ये मुश्किल है, टू मच ऑफ. करेक्ट, वेरी गुड फैजल, इट्स 1975. रेज योर हैंड्स, विमल जो ब्रांड है वो कौन सी कंपनी का है? स्वीटी रेज योर हैंड्स, तो हमको समझता ही नहीं है. स्वीटी रेज योर हैंड्स, तो हमको समझता ही नहीं है. द आंसर इज रिलायंस. विच इज द फॉलोइंग सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन? इजी इजी पीजी इट वॉज. ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल पूछते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बजाज ऑटो? ये मुश्किल है थोड़ा. द आंसर इज स्प्लेंडर. अब और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा हूं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफ गेल? ये मुश्किल है. करेक्ट करेक्ट अथर्व, परफेक्ट. ब्रह्मपुत्र क्रैकर. ओके ठीक है. Who is the present CFO of Adani? Apsis. गलत गलत. CFO पूछा है, CEO नहीं. दीपक महेश्वरी, क्या फंस जाते हो यार तुम. गुड फूड गुड लाइफ, ये तो आसान है. ये भी गलत हुआ ना तुम्हारा, ये गलत हुआ ना हमारा, तो लालत वालत सब है हम पे फिर तो. ठीक है चलो. When did Microsoft begin its business in India? हेलो 75. ओ हेलो, इंडिया में. और 75 तो है भी नहीं यहां पे ऑप्शन, तुम कहां से पैदा कर रहे हो बे. इंटेल की रैंक फॉर्च्यून 500 में अभी किया हमने 10 मिनट पहले. इट इज 40th. करेक्ट 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 करेक्ट. इंडियन एलपीजी इज द प्रोडक्ट ऑफ विच कॉर्पोरेशन इन इंडिया? परफेक्ट. By what name are the education and stationery products by ITC known in India? तो पढ़ा क्या हो क्या तुम लोग? The headquarters of L&T. Absolutely correct. Beautiful यार, बहुत मजा आ गया. My customer first is the vision of lunch lunch. अरे lunch time first. SBI correct. Which is a global banking platform by Edgeworth Systems Infosys. Sir, अब तो ये गलत हो नहीं सकता. Am I right? Which of the following is not a subsidiary of NTPC? Kalinga Vidyut. Perfect. थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है. नामुमकिन नहीं बट हाँ मुश्किल, ट्राई करो. Which of the following is a correct combination? Microsoft Activa. अरे Microsoft का ही तो है ना Activa. Honda का Windows है. Nestle Coffee. Nestle Coffee ये सही है क्या? इसको जिसको काफी लोगों को समझेगा नहीं, तो Microsoft की Activa product नहीं है, Honda की Windows product नहीं, Nestle की Coffee बराबर है, Jio Mobile ये सही है. Microsoft Windows सही है, Honda Activa सही है, Nestle Coffee सही है, Jio Mobile ये भी सही है. Microsoft Coffee गलत हो गया. Microsoft Windows ये सही, Honda Coffee गलत हो गया. The correct answer is guys B. और एक चीज मैं छोटा सा फिर से टिप देना चाहूंगा आपको, आप प्लीज पूरी कोशिश करिए कि एग्जाम के वक्त आप पूरे ऑप्शन जरूर पढ़िए. ठीक है चलो, लिंक पे आ जाओ, क्विज करते हैं. करना है या नहीं करना है? अरे क्विज करे क्या? Okay guys, here we go. Join करो.
ओके सब आ गए, शैल वी राइड? ओके सुपर कूल, आई गेस वी आर गुड टू मूव, गुड टू गो, हियर वी गो. फर्स्ट क्वेश्चन, German companies, German public companies ends with Limited INC, PLC, GmbH. The correct answer is, सबने आंसर दे देना चाहिए था बाय दिस टाइम. द आंसर इज GmbH. इनकॉर्पोरेशन अमेरिकन कंपनीज के लिए होता है, पीएलसी ब्रिटिश कंपनीज के लिए होता है, लिमिटेड इंडियन कंपनीज के होता है, GmbH जर्मन कंपनीज के लिए होता है. वेल डन गाइस, लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड पोजीशन. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. आदित्य दुबे इज फर्स्ट, फैजल इज सेकंड, प्रथमेश इज थर्ड, सौम्या, अद्वय, स्नेहल, संजना, अथर्व, मुक्ता एंड नुपुर. वेल डन गाइज, वी वांट द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हियर वी गो. Headquarters of Nestle is in. So guys, Berlin, Switzerland. Berlin, Switzerland में है ही नहीं, Germany में है वो. Bern is in Switzerland, Zurich is in Switzerland, Vevey is in Switzerland, and the correct answer is Vevey. Perfect eyes. जो लोग running notes बना रहे हैं उनका answer सही होगा. ठीक है, वेल डन गाइस, लेट्स सी हु वाज द फास्टेस्ट. आई गेस अथर्व एंड आदित्य वर द फास्टेस्ट. वेल डन गाइस, आदित्य दुबे इज मेंटेनिंग गुड पोजीशन. हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? थर्ड क्वेश्चन, व्हिच कंपनी सप्लाइज प्रोसेसर्स फॉर कंप्यूटर सिस्टम मैन्युफैक्चरर्स सच एज Apple, Lenovo, Hewlett Packard and Dell. The options that you have are Microsoft, Intel, IBM and American Express. कौन सी कंपनी है जो प्रोसेस सप्लाई करती है बाकी सारी बड़ी कंपनीज को? And guys, you should not get this wrong. अभी हमने 15 मिनट पहले पढ़ा ये क्वेश्चन. इस फिर भी Microsoft और IBM वाले आ गए, पता नहीं कैसे होगा. The answer is Intel. चिप बनाते हैं ना ये, प्रोसेसर बनाते हैं. Okay, people are not ready to lose the position. But Yadav was the fastest, if I'm not wrong. No, Suyash was the fastest in this question. All right, guys, well done. Here we go. Two more questions to go. You can still turn the tables. Aditya Dubey is maintaining the lead right now. Arvind Krishna is the CEO of which company? Amex, IBM, Microsoft, Intel. प्रॉपर फोटोग्राफ के साथ सिखाया मैंने आपको ये सारी चीजें. नो वन डज इट इन इंडिया. द आंसर इज IBM. ध्यान ही नहीं था, ये जो 28 स्टूडेंट्स है ना, दे आर द वंस हु विल गो इनटू सीए इंटर. यू नो फोकस है उनका, प्रिपरेशन है उनका, मेहनत है उनकी, सिंपल. सी लुक एट देम, ये लोग अपना पोजिशन छोड़ ही नहीं रहे, करने के लिए आए हुए यहां पे. ऑल राइट, Bhumi was the fastest in this question. Dubey is not losing his lead by any chance. वो छोड़ ही नहीं रहा है कुछ आज. आज first आके ही मानेगा वो. ठीक है. आदित्य, अथर्व, अथर्व वारकरी, अथर्व मुरकुंडे and आदित्य दुबे from पुणे, अथर्व वारकरी from नागपुर, अथर्व मुरकुंडे from पुसद. Am I right, अथर्व? अद्वय from नागपुर, भूमि from जालना. Yeah, well done guys, well done. Soumya from Karnataka, Darshana from Jalna again. Okay, Sanjana from Nagpur, Sweetie from Nagpur, Sanket from Nagpur. Correct, here we go. Next and the last question. Chalo, let's check out. First aane ki koshish karte hai. Satya Nadella holds which key position in Microsoft?
चेयरमैन सीईओ सीएफओ एमडी. थोड़ी देर पहले हमने सत्य नडेला का क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन ये नहीं किया, एक तरीका बदल दिया हमने क्वेश्चन का. Everyone has voted and the correct answer is CEO. Let's check out the final leaderboard position. And the final leaderboard position says that, oh God, Atharva Varkari is the winner. Mukunde is second, Soma is third, Sanjana, Bhumi, Sweetie, Adwai, Sanket, Goonj and ADXZ. I guess Aditya Dubey ne galat kar diya is answer ko. He was first for the four questions. Atharva, well done. Keep up the good work. Guys, everyone, so very well done. Hamara sirf ek class bacha hai. Hamare sirf 5 companies bachi hai business organization mein. Humne bahut zyada high level ke interest create kar ke powerful PowerPoint presentation bana ke is level pe pahunche hai ki hamare 5 ke 5 answers sahi aa rahe hai. Aaj is level pe hum pahunch rahe hai dheere. Slow and steady wins the race. You've got 1 month to go for the exam. Good one, more than a month to go for the exam. Trust me on this. You can still nail it. You can still do it. You can still qualify it. Keep believing. Keep studying. See you in the last lecture. Till then, take care of yourself. Study well. This is Bhavan Gaga signing off. Bye-bye.